लोड शेडिंग में जनरेटर्स के इस्तेमाल में इजाफा, शहर में खपत बढ़ने से डीजल की किल्लत सर उठाने लगी। पेट्रोल पंप्स पर गुज़श्ता दो रोज से डीजल की सप्लाई ना हो सकी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर से रابطہ बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लोड शेडिंग में जनरेटर्स के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, शहर में खपत बढ़ने से डीजल की किल्लत सर उठाने लगी है। पेट्रोल पंप्स पर गुज़श्ता दो रोज से डीजल की सप्लाई ना हो सकी। आपको बता रहे हैं लोड शेडिंग में जनरेटर्स के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। बार बार लोड शेडिंग के बाद जनरेटर्स के लिए डीजल की खपत बढ़ने के बावजूद ऑयल कंपनियों की जानिब से शहर लाहौर के पेट्रोल पंप पर डीजल की सप्लाई जो है वो इंतहाई महदूद की जा रही है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल समेत दीगर ऑयल की सप्लाई गैर अलानिया काम कर रही है। लाहौर पेट्रोल पंप गुज़िश्ता दो रोज से डीजल की सप्लाई ना होने की वजह से डीजल की जो सेल है वो शदीद मुतासर हो रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि जुमा और हफ्ते के रोज भी माची के ऑयल डिपो से लाहौर के पेट्रोल पंप को डीजल की सप्लाई मुअत्तल गई, जिसकी वजह से बेशतर पेट्रोल पंप जो है वो ड्राई हो चुके हैं। कीमतों में इजाफे के बावजूद पीएसओ समेत निजी ऑयल कंपनी की जानिब से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई डिमांड से कम की जा रही है, जिसकी वजह से डीजल की फरोख जो है वो इंतहाई महदूद हो चुकी है और लोगों को डीजल के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जराये का ये कहना है कि कंपनियों की जानिब से एलोकेशन या कैप लगा दी गई है, महदूद डीजल जो है वो मिलता है, खपत के मुकाबले में डीजल की सप्लाई जो है वो महदूद की जा रही है, जिसकी वजह से बेशतर पेट्रोल पंप पर डीजल की फरोख जो है वो बुरी तरह मुतासर है। जी जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।